भगवती सूत्र में बताया गया है, प्रश्नोत्तर के रूप में, कति बिहानम बनते लोयत्थिति पन्नत्ता गोयमा अठ बिहा लोयत्थिति पन्नत्ता तंजहा आगास प इठि ए वाए वाय प इठि ए उदहि उदहि पयुठिया पुडवी पुडवी पयुठिया तस थावरा पाणा अजीवा जीव पयुठिया जीवा कम्म पयुठिया अजीवा जीव संगहिया जीवा कम्म संगहिया। एक प्रश्न किया गया है गौतम स्वामी को, इस स्थूल भाषा में बड़ा साधुवाद देना चाहिए कि कितने कितने प्रश्न भगवान महावीर से, जैसा भी स्थूल व्यवहार मान लें, पूछे हैं और उनके उत्तर मिले हैं। अगर गौतम स्वामी इतने प्रश्न नहीं पूछते, पता नहीं इतने उत्तर यों आते या न आते। तो इसलिए एक स्थूल व्यवहार के रूप में गौतम स्वामी को बड़े विनय भाव के साथ साधुवाद दिया जाना चाहिए कि इतने प्रश्न पूछे, इतने उत्तर मिल गए। गौतम का नाम आया हुआ है। प्रश्न किया गया कि भंते लोकस्थिति कितने प्रकार की है, हम जहाँ है वह लोक है, अलोक नहीं, अलोक अलग है। अनंत आकाश में मैंने जैसा कहा आकाश थिग्गल कपड़े के कारी की तरह यह हमारा लोक है, यह सृष्टि है। इस लोक की व्यवस्था क्या है, किस प्रकार टिके हुए हैं, किस प्रकार संग्रहित हैं, वो क्या व्यवस्था है लोक की, जीव कैसे हैं, नीचे क्या ऊपर क्या, क्या क्या व्यवस्था है, स्थिति क्या है। उत्तर दिया गया कि आठ प्रकार की स्थितियां हैं। पहली बात है कि आकाश है और वायु नाम का तत्व है, वायु वो आकाश पर प्रतिष्ठित है, आकाश पर स्थित है वायु, यह पहली बात है। दूसरी बात है कि समुद्र वायु पर प्रतिष्ठित है। तीसरी बात है पृथ्वी समुद्र पर प्रतिष्ठित है। चौथी बात है त्रस और स्थावर प्राणी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हैं। पांचवी बात है अजीव जीव पर प्रतिष्ठित हैं। छठी बात है जीव कर्म से प्रतिष्ठित हैं। सातवीं बात है अजीव जीव के द्वारा संगृहित हैं, और आठवीं बात है जीव कर्म के द्वारा संगृहित हैं। ये आठ स्थितियां, लोक स्थितियां बताई गई हैं। तो एक प्रश्न पुनः प्रश्न पूछा गया, यानी ये कैसे है आकाश पर वायु, वायु पर समुद्र, यह कैसे स्थिति, आकाश पर वायु कैसे, वायु पर समुद्र जल कैसे, यह कैसे हो सकता है। तो फिर गौतम के नाम से उत्तर दिया गया, इस बात को बड़े मानो व्यावहारिक उदाहरण से या मानो कोई वैज्ञानिक ऐसे कोई प्रयोग के रूप में समझाया गया इस बात को, कि एक बात को समझ लें भले, कि एक आदमी है, उस आदमी के पास एक मशक है, मशक, वह उसमें हवा भरता है, तो हवा भरता है, उसमें हवा भर कर के ऊपर का जो मुंह का स्थान है उस पर वह गांठ दे देता है। हवा भर ली, अब ऊपर के मुंह के स्थान पर गांठ दे देता है। फिर वह मशक के मध्य भाग में एक गांठ लगा देता है, ठीक है, वहां गांठ लगा करके फिर ऊपर की गांठ को खोल देता है, खोल दिया, उसे खोल करके
ऊपर के भाग की हवा को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब उस ऊपर की हवा को बाहर निकाल कर ऊपर के भाग में जल पानी भर देता है और उसे जल से ऊपर के भाग को भर करके फिर ऊपर गांठ दे देता है। वहां गांठ दे करके फिर मध्य भाग में जो गांठ लगाई थी अब उसको खोल देता है। तो अब प्रश्न है, वह जो पानी भरा था वह पानी वायु के ऊपर ऊपर है या नहीं? कि हाँ, वो पानी तो वायु के ऊपर ही है। तो गौतम, जैसे वह पानी वायु के ऊपर है वैसे ही इस लोक में जो समुद्र है वह वायु पर प्रतिष्ठित है। इस उदाहरण से गौतम को भगवान महावीर ने मानो बताया, जो भी जैसा आगम में है, कि इस प्रकार वायु पर जल प्रतिष्ठित हो सकता है, जैसे मशक में वायु पर जल प्रतिष्ठित होता है वैसे इस सृष्टि में भी वायु पर जल समुद्र प्रतिष्ठित होता है। यूं ये कई बातें हैं। अब जो बात है कि पानी पर प्राणी कैसे किस रूप में ठहरते, स्थावर पानी पर कैसे, यानी पानी की जो बात आई है कि पृथ्वी समुद्र पर प्रतिष्ठित है, फिर एक मशक का उदाहरण दिया गया है कि कोई आदमी मशक में हवा भरता है, उसमें हवा भरकर उसे अपने कटी प्रदेश में बांध लेता है और बांध करके वह अथाह न तैरा जा सके ऐसा अपरु से जल में अवगाहन करता है, तो क्या वह पुरुष जल के ऊपर ऊपर ठहरता है? कि हाँ, वो ऊपर ऊपर बह जाता है। तो ये सब यूँ लोक की स्थितियाँ, कैसे कौन ऊपर कैसे रह सकता है, ये कुछ लोक सृष्टि की या लोक की स्थितियाँ बताई गई है। तो अब कुछ सापेक्ष बातें भी है इसमें कि पृथ्वी उदद्वी पर प्रतिष्ठित है, यह एक सामान्य बात बताई गई है। यह सापेक्ष वचन है, जैसे ईसत प्राग्धारा पृथ्वी जो ऊपर है सिद्ध शिला वाली, वो आकाश पर प्रतिष्ठित है। यों तो पृथ्वी के लिए कहा गया कि उदद्वी पर प्रतिष्ठित है, पर ईसत प्राग्धारा पृथ्वी है वह आकाश पर प्रतिष्ठित है। और पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हैं त्रस स्थावर प्राणी, यह भी एक अपेक्षा से बात है, क्योंकि त्रस स्थावर प्राणी आकाश में भी हो सकते हैं, पर्वत और विमान पर भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं, होते हैं। अब जीव प्रतिष्ठित अजीव है, यानी अजीव का मतलब शरीर है, यह शरीर हमारा जीव पर टिका हुआ है, जीव न रहे तो फिर शरीर कितना क्या रहेगा। शरीर आदि पुद्गल हैं, वे अजीव है। कि अजीव सृष्टि का जो नानात्व है, हमें जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जितने भी दिखाई देते हैं वे सारे के सारे पुद्गल पदार्थ हैं, वे जीव के द्वारा ही कृत हैं। जो कुछ दिखाई देता है वह या तो जीवत शरीर है या जीव मुक्त शरीर है, या तो जीवित वो शरीर है या जीव का मरा हुआ खत्म हुआ शरीर है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह काठ है मान लो, तो कभी वनस्पति काय का शरीर रहा होगा, अब यह जीव मुक्त हो गया है। यह सब संत जीवत शरीर हैं। यह मान लो पृथ्वी आदि चीजें हैं, कभी कोई पृथ्वी काय के जीवों का शरीर रहे होंगे, अब वो इस रूप में है। तो जो कुछ दिखाई देता है वह या तो सजीव शरीर है या जीव से मुक्त हुआ शरीर है। जो कुछ भी दुनिया में हमें दिखाई देता है उसके लिए यह बात है। अब कर्म प्रतिष्ठित जीव, जीव का जितना भी नानात्व है, उसमें जितने भी परिवर्तन हैं, विविध रूप हैं, वे सब कर्म के द्वारा निष्पन्न हैं।
कोई चिंटी बनी तो क्यों बना, कोई जीव चिंटी क्यों बना, कर्म से बना है। आदमी क्यों बना, कर्म से बना। देव क्यों बना, कर्म से बना। पेड़ क्यों बना, अपने कर्म से बना। तो ये जितने भी जीव के नानात्व हैं, नाना रूप हैं, ये अपने कर्म के कारण से है। तो इस प्रकार ये लोक की स्थितियां हैं। अब प्रश्न यह है कि ठीक है, लोक की यह स्थिति बता दी गई, हमने जान ली, अब हमें करना क्या है। यह तो एक भौगोलिक बातें कह दें, एक लौकिक लोक की बातें कह दें, सृष्टि की बातें कह दें, वो बता दी गई है। जैन आगमों में, जैन दर्शन में दो वर्गीकरण आते हैं, एक है षड् द्रव्यवाद, दूसरा है नव तत्ववाद। षड् द्रव्यवाद में यह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काय काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, छह हो गए। दूसरे नव पदार्थ हैं, नव तत्ववाद, नव पदार्थ हैं जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंद मोक्ष। अब हम आपको बताना चाहेंगे, चिंतन आप करें कि जो छह द्रव्य हैं उनमें नवों का समावेश नहीं हो सकता क्या, अथवा जो नौ हैं उनमें छह का समावेश नहीं हो सकता क्या, दोनों का एक दूसरे में किसी रूप में समावेश किया जा सकता है। कि जीवास्तिकाय में जीव तत्व को मान लें, आश्रव संभव जीव में मान लें, अजीव है तो पुद्गलास्तिकाय में आ जाए धर्मास्तिक। यों छह द्रव्यों में नव पदार्थों का और नव पदार्थों का छह द्रव्यों में किसी रूप में समावेश करने का या समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि दो क्यों किए गए, एक से ही काम चल जाता, छह द्रव्यों से सारी बात समझ में या नव तत्वों से आ जाती, कि दो क्यों किए गए, छह द्रव्य इधर नव पदार्थ अलग अलग क्यों किए गए। इसका उत्तर क्या है कि दो दृष्टिकोण है, चिंतन है, दो दृष्टिकोणों पर आधारित ये दो वर्गीकरण है। वो दो दृष्टिकोण कौन से हैं कि कोई पूछ ले यह लोक क्या है, यह सृष्टि क्या है, जैसा कि इस आगम भगवती सूत्र में जो लोक स्थिति की बातें आई भी हैं, यह लोक क्या है, यानी अस्तित्ववाद, ओंटोलॉजी, अस्तित्ववाद है, लोक है क्या, यह दुनिया है क्या, दुनिया है क्या, इसका उत्तर दिया गया जैन वाङ्मय में षड् द्रव्यात्मको लोक है। यह छह द्रव्यों वाला लोक है, दुनिया में लोक में छह चीजें हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काय काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिक, ये छह चीजें। तो दुनिया छह तत्वों वाली, छह द्रव्यों वाली है। दूसरा कोई प्रश्नकर्ता पूछे कि भाई ठीक है, दुनिया की बात आपने बता दी, दुनिया क्या, लोक क्या, क्या तत्व, क्या द्रव्य, समझ लिया, तो मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो आत्मा का कल्याण, मुझे यह बताओ आत्म कल्याण की दृष्टि से क्या करना क्या नहीं करना, वो मुझे बताओ। तब उत्तर वो है उपयोगितावाद, आत्म कल्याण के लिए उपयोगितावाद है, कि तब तुम नव तत्वों को समझो, जीव क्या, अजीव क्या, कर्म कैसे बंधते हैं, पुण्य के रूप में, पाप के रूप में, कर्मों के आने को रोकना तो संबर, कर्मों को तोड़ना निर्जरा, यह बंध है, बंध को सर्वथा समाप्त करना मोक्ष है, मोक्ष मिलेगा तब आत्म कल्याण का कार्य पूरा हो जाएगा। तो साधना की दृष्टि से समझाना हो तो नव तत्वों को काम में लें, दुनिया क्या, लोक क्या, यह समझना समझाना हो तो छह द्रव्यों को काम में लें। इसलिए सद्द्रव्यवाद और नव तत्ववाद, ये दो जैन वाङ्मय के, जैन दर्शन के दो वर्गीकरण हैं। यो दोनों का एक दूसरे में समावेश करने का प्रयास भी किया जा सकता है, पर दोनों के पीछे अलग अलग दृष्टिकोण है। जहाँ अस्तित्ववाद की बात है वहाँ छह द्रव्यों का वर्गीकरण है, और जहाँ आध्यात्मिक उपयोगितावाद है वहाँ यह नव तत्वों, नव पदार्थों की बात आती है।
तो यह हम समझ लें कि अलग अलग दो वर्गीकरण क्यों किए गए, ये दो पृष्ठभूमियों पर आधारित अलग अलग दोनों वर्गीकरण हैं। तो यहाँ इस भगवती सूत्र के प्रकरण में लोक स्थिति की बात बताई गई है, इसमें मानो कुछ अंशों में दोनों का समावेश कर दिया गया, या दुनिया क्या, पृथ्वी, जल, उद्गीर, त्रिस्थल, प्राणी, आकाश, ये बातें भी आ गई, आगे कर्म, जीव, अजीव, ये बातें भी आ गई। तो मानो ये अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद, इन दोनों को अपने आप में समाविष्ट करने वाला यह लोकस्थिति, आठ जो लोक स्थितियां बताई गई हैं उनमें संक्षेप संक्षेप में अस्तित्ववाद की बात भी आ गई है, सृष्टि है क्या वह बात भी आ गई है, और अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ी कर्म आदि की बात भी आ गई है। तो दोनों का मानो कुछ कुछ अंशों में समावेश हो गया है। इस लोक स्थिति को हम पढ़ लें, जान लें, सुन लें, सुना दें तो हमारी जानकारी बढ़ सकती है, जानकारी पुष्ट हो सकती है। जानकारी होने के बाद फिर करणीय को करना चाहिए, हेय क्या, उपादेय क्या, गेय क्या। जान लिया, जानने योग्य सभी चीजें हैं, परंतु जानने के बाद जो हेय है उसको छोड़ने का प्रयास करें, जो उपादेय है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। जैसे संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये उपादेय हैं, ग्रहण करने के लायक हैं, और ये पुण्य, पाप, बंदर, आश्रव, ये चीज़ें हेय हैं, ये छोड़ने लायक हैं। तो ज्ञान होने के बाद हम छोड़ने की चीज़ को छोड़ने का प्रयास करें और ग्रहण करने लायक चीज़ को ग्रहण करने का प्रयास करें, तो हमारी ज्ञान की सार्थकता, उपयोगिता वो सिद्ध हो सकती है। तो जैन आगमों में इतनी ज्ञान की बातें बताई हुई हैं, तो समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तो फिर जीवन में करने की चेतना भी जाग सकेगी। जब जानेंगे ही नहीं क्या जीव, क्या अजीव, क्या आश्रव, क्या संवर, जानते ही नहीं है, क्या हिंसार, क्या अहिंसार, क्या करणीय, क्या अकरणीय, जानेंगे ही नहीं तो करने की बात तो बहुत आगे की है। इसलिए जानना और करना, जय प्रज्ञा प्रत्याख्यान प्रज्ञा, जय प्रज्ञा से जान लें और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से पापों को छोड़ने की चीज को छोड़ने का प्रयास करें और ग्रहणीय को ग्रहण करने का प्रयास करें। तो भगवती सूत्र एक ऐसा आगम है जिसमें ये कितनी कितनी बातें सृष्टि के बारे में, एक आत्मा के बारे में, एक आदि आदि विभिन्न बातें इस भगवती सूत्र में बताई गई हैं। और ये जो आगम हैं और भी हमारे दूसरे ग्रंथ भी हैं, तो श्रावक लोग हैं हमारे, वे भी आगमों को, उसका हिंदी अनुवाद है, कहीं अंग्रेजी भी है, अनुवाद को वे भी पढ़ सकते हैं, टिप्पणों को पढ़ सकते हैं, ताकि पढ़ने से जानकारियां मिले। अब मूल पाठ को न पढ़ें ठीक है, न भी पढ़ें भले, मूल जो अनुवाद है, टिप्पण है, भाष्य है, उसको पढ़ने से भी अनेक जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। और इसके सिवाय भी, आगमों के सिवाय भी इतने ग्रंथ हैं, आचार्य भिक्षु के ये नव पदार्थ आदि आदि, कितने तत्वज्ञान से भरे हुए आचार्य भिक्षु के ग्रंथ हैं, राजस्थानी भाषा के ग्रंथ हैं, भगवती जोड़, या तो भगवती सूत्र जो मूल पाठ भी अनुवाद आदि है, परम पूज्य दयाचार्य ने इस भगवती सूत्र पर राजस्थानी भाषा में पद्यात्मक रूप में, राग रागणियों के रूप में, ढालों गीतिकाओं के रूप में भी मानो ऐसे संरचन कर दिए, ऐसे भगवती सूत्र को राजस्थानी भाषा में मानो उसकी व्याख्या को, अर्थ को स्थापित कर दिया। अब भगवती जोड़ को कोई पढ़े, राजस्थानी भाषा में है, छपा हुआ है, प्रकाशित है, परंतु फिर भी सारी बातें समझ में झटपट आए न भी आए, क्योंकि हालांकि एक तो राजस्थानी भाषा भी आजकल सबके वो इतनी समझ में आए न आए, थोड़ी आ भी जाए तो तत्व क्या, निहित क्या, रहस्य क्या, अपेक्षा क्या आदि आदि चीज़ें हैं,
वो भी कई समझ में नहीं भी आए, फिर भी पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते कई बातें समझ में आ सकती है, स्वाध्याय हो सकता है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं। दयाचार्य का झीणी चर्चा नाम का किताब छपी हुई है, ग्रंथ है झीणो ज्ञान, ऐसे तत्वज्ञान से भरे हुए ग्रंथ हैं। ये तीन गुंठाना अमृत आदि आदि गीतिकाएं हैं, तत्वज्ञान से कितनी भरी हुई है। तो हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं, जिनको जितना टाइम मिले, अनुकूलता हो, तो यूँ स्वाध्याय करें, सामायिक करें, साथ में स्वाध्याय करने से लक्ष्य करें, तो कितना ज्ञान हो सकता है। हालांकि आजकल ये आगम मंथन प्रतियोगिता आदि आदि कई ये उपक्रम चलते हैं, वे भी ज्ञान को बढ़ाने में बहुत बड़े एक माध्यम बन सकते हैं कि कैसे ज्ञान बढ़े। अनेक उपक्रम हमारे धर्म संघ में, तेरापन समाज में चल रहे हैं, जो ज्ञान बढ़ाने के हैं। छोटे बच्चों के लिए ज्ञानशाला है, और आगे बढ़े तो ये जैन विश्व भारती में समण संस्कृति संकाय जैन विद्या, कितने कितने उपक्रम आगम मंथन, तो जो ज्ञान बढ़ाने के हैं। तो ऐसे और भी तेरापंथ महिला मंडल के द्वारा भी ये तत्व ज्ञान तेरापंथ का चलता है, जैन स्कॉलर का है, और भी संस्थाओं से चल कोई हो तो चल सकता है। तो ऐसे अनेक अच्छे माध्यम हैं ज्ञान बढ़ सके, तो बड़े सुंदर उपक्रम हमारे धर्म संघ में चल रहे हैं, जो ज्ञान बढ़ाने में इतने ग्रंथ आज छप गए हैं। आचार्य भिक्षु को तो पता नहीं कैसे ये आगम मिले कि नहीं मिले, ऐसे उनको तो मुश्किल से जैसे भी कहीं मिले होंगे। आज तो कितने उपलब्ध हैं, कोई आराम से अच्छी तरह कोई पढ़े, मनन करे, चिंतन करे, तो कितना ज्ञान बढ़ सकता है। तो हम अपने ज्ञान को, ऐसे शास्त्रों को और भी ग्रंथों को, इतने शास्त्रों की अनुकूलता न हो, थोड़े सामान्य ग्रंथों को पढ़ें, उनसे भी ज्ञान बढ़ सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के, गुरुदेव तुलसी के भी कितने ग्रंथ हैं, किताबें हैं, तत्वज्ञान की भी और भी विषयों की है, जिसके जैसे अनुकूलता हो, समय की भी अनुकूलता हो, तो ज्ञान बढ़ाने का हम सभी, चाहे चारित्रात्मा है, चाहे श्रावक श्राविका है, चाहे समण समण श्रेणी है, जितना ज्ञान को बढ़ाए, जितना टाइम मिले, तो ज्ञान भी एक हमारे जीवन की संपदा होती है। तो ज्ञान होने से फिर हमारा आचार भी अच्छा हो सकता है, हम पापों से बचने का प्रयास भी कर सकते हैं।